खबर अल्मोड़ा से आ रही है, जहां जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में चल रहे 3 दिवसीय प्रशिक्षण का शुक्रवार को समापन हो गया। इस दौरान प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को विभिन्न मॉड्यूल की जानकारी दी। आपको बता दें कि समग्र शिक्षा अभियान के अपर राज्य परियोजना निदेशक मुकुल सती ने समापन सत्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चों की बुनियादी साक्षरता को बढ़ाना है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार लगातार सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रही है। उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान मौजूद शिक्षकों को स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के प्रभावी कदम उठाने के निर्देश भी दिए। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। देखिए, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसका एक पार्ट है, FN एक पार्ट है। यदि बच्चों की भी बुनियाद ठीक न होगी तो फिर हम ऊपर की बात नहीं कर पाते। तो इसलिए जो परीक्षण आयोजित हो रहा है और तो बच्चों की बुनियादी साक्षरता के लिए, उनकी अंकीय ज्ञान के लिए परीक्षण कराया जा रहा है। और इसमें ये भी कहा गया है कि आप समुदाय का उपयोग कैसे करिए, समुदाय से कैसे आप लोग बात करेंगे, पुस्तकीय ज्ञान बच्चों को कैसे देंगे, और साथ में जो उनके मदर फंड्स हैं उनको भी हम पुस्तकालय से किताबें लें जिससे कि उनका भी ज्ञान पढ़ें। वो अगर पूरे तरह से किताबों का हमारी समझ लें, किताबों की भाषा समझ लेंगे या हमारे NAP को समझ लेंगे तो हमारी सरकार को NAP को लागू करने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। क्यों? क्योंकि उनको जनता का सहयोग मिलेगा। बस ये उसका उद्देश्य।